नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ वैशाली। उत्तर प्रदेश के थाना आदमपुर के कस्बा ढबारसी में दुकान का ताला लगाते समय बदमाशों ने बुजुर्ग दुकानदार की आंखों में मिर्च डालने का प्रयास किया। पैसों से भरा थैला छीनना चाहते थे ये बदमाश। दरअसल मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के गाँव ढबारसी का है, जहाँ पर एक बुजुर्ग दुकानदार चंद्रसेन बंसल पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर परचून की दुकान चलाते हैं। रोजाना की तरह मंगलवार की शाम करीब 6:30 बजे वो दुकान बंद कर रहे थे, तभी बाइक सवार दो बदमाश दुकानदार के कंधे पर लटका रुपए से भरा थैला छीनने लगे। लेकिन दुकानदार ने हिम्मत दिखाई और बदमाशों से भिड़ गए। इसी बीच एक बदमाश ने बुजुर्ग की आंखों में मिर्च डालने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। बुजुर्ग के शोर मचाने पर आसपास घरों से लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े, जिसे देख बदमाश बाइक पर फरार हो गए। बुजुर्ग दुकानदार के बदमाशों के साथ हुई छीना छपटी के दौरान उनके हाथ पैर और अन्य कई जगहों पर चोटें आई हैं, जिस कारण वो घायल हो गए, जिन्हें ढवारसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पुलिस चौकी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे ग्रामीणों और व्यापारियों में रोष व्याप्त है। घटना की सूचना फिलहाल पुलिस को दे दी गई है। ये शाम लगभग 6:30 बजे जब हम यहाँ से घर की तरफ जा रहे थे, तभी हम पे सूचना आई कि एक लाला चंद्र सेन है, वो अपनी दुकान बढ़ा रहे हैं, दुकान बंद कर रहे थे। तभी दो अज्ञात युवक आए बाइक पे और उन्होंने पहले तो वहाँ से सामान लिया और उसके बाद उन्होंने थैला छीनने का प्रयास किया। हालांकि थैला छीन नहीं पाया, लाला नाली में गिर गए। लाला ने शोर मचाया और उसके बाद आसपास से ग्रामीण एकत्र हो गए और वो दोनों लड़के भाग गए। घटना ये हुई, 6:30 बजे दुकान बंद करता हूँ मैं, दुकान बंद कर रहा, झोला मेरे बगल में पड़ा है, एक ताला मैंने लगा दिया बाहर का और दूसरा ताला लगाने को हुआ तो मेरे झोले चिपट गया। वो झोला छीन दिया, मैं झोला देना रहा। मोटरसाइकिल पर एक आदमी इधर खड़ा बराबर में, जो मैंने दिन मचाया, अरे बदमाश आए, बदमाश आ गए, तो संजय निकला राजू का प्रधान का भैया, जब भैन चुपे फूटी वो फिर तो हाथ जो इकट्ठा हो गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।